सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी मॉडल है और आप लोग ओप्पो के किसी भी मॉडल में या फिर किसी भी आपके ओप्पो मोबाइल में आप लोग किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो यानी कि छुपाना चाहते हो तो कैसे छुपा सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो की स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने देखने मिलता है प्राइवेसी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। जब आप लोग प्राइवेसी पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ में देखने मिलता है ऐप लॉक के नीचे मिलता है हेड एप्स, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसके बाद मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सेट प्राइवेसी पासवर्ड बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई प्राइवेसी पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। वो आपने अभी डाला प्राइवेसी पासवर्ड, दोबारा से वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर क्लिक करना है और आपको फिर से वही पासवर्ड डालना है। इसके बाद आंसर में आपको अपना नाम ही डालना है। जब बाय द वे जैसा कि आप लोग सपोज मानो पासवर्ड भूल जाते हो तो आप लोग क्या करना, रिकवरी करते समय तो आप लोग अपना नाम का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखने मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। आप लोग जिस एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सिलेक्ट करना है। सपोज मानो मैंने यहाँ पे यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सेट एक्सेस कोड, तो आपको एक्सेस कोड में क्या पहले हैज़ फिर स्टार पहले हैज डालना है, फिर कोई नंबर डाल के फिर हैज डालना है, ठीक है। तो कैसे डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 9690 कर देता हूँ, सॉरी पहले बैक कर लाता हूँ, पहले हैज, ठीक है, फिर 96 फिर 90 फिर हैज, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है राइट। इसके बाद राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग चल रही है, यहाँ पे सॉरी सेकंड चल रही है, थोड़ा सा वेट करना है। सेकंड चलने के बाद डन करना है, ठीक है। डन करने के बाद यूट्यूब को मैंने हाइड किया है, इसके बाद मिनिमाइज करना है। और आप लोगों को यूट्यूब कहाँ है देखना है तो आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी यूट्यूब नहीं शो कर रहा है, दिखा दें अच्छे से, देख सकते हो नहीं है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे कहीं भी देख सकते हो यूट्यूब नहीं मिल रहा है। आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाएं मैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से यूट्यूब को हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको अनहाइड करना है तो फिर से वापस यहीं आना है, ठीक है। यहाँ पे ऐप हाइड पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने पैटर्न डाला था इसमें आपको डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इसको अनहाइड करना, बैकग्राउंड से भी नोटिफिकेशन से ही हटा देना, ठीक है। इसको भी यहाँ से अनहाइड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा से चेक करना है कि यहाँ पे यूट्यूब आ जाता है, ठीक है। तो आपको चलिए यहाँ पे यूट्यूब आपका शो हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल करना है, ठीक है। और आपका जो यूट्यूब है वो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को देख सकते हो यूट्यूब आ जाता है। तो आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।